रुद्रपुर के किच्छा रोड पर तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने कुचला बाइक सवार को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय व अन्य ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैतों ने एक राइस मिलर के घर सासू और तमंचों के बल से की लूटपाट। रुद्रपुर कांग्रेस रैली में उपस्थित कुछ भाजपा नेताओं को लिया हिरासत में। रुद्रपुर के किच्छा रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक पर सवार 5 वर्षीय बच्ची निशा की मौत हो गई और बाइक चला रहे निशा के पिता को गंभीर हालात में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके पर फरार हो गया। पुलिस से बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश चल रही है। हमें एक सूचना मिला कि एक्सीडेंट हुआ है ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच में। मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग थे, पति पत्नी और उसके बच्ची थी 5 साल की निशा करके, और पीछे की तरफ राइट साइड की टायर में वो मोटरसाइकिल पलट गया और बच्ची नीचे आ गई और उसका मौके पर ही देहांत हो गया। उसको बॉडी को शिफ्ट किया गया और पापा को भी चोट आया है, उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, 108 के थ्रू भेजा गया है। ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया बच्ची को और मौके से ट्रक का ड्राइवर वहीं के वहीं फरार हो गया है। ट्रक हमारे कब्जे में है, आगे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और उसको ड्राइवर को पकड़ा जाएगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रुद्रपुर में बिना अनुमति के सभा करने और कांग्रेस की रैली में जवाब मांगने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी हुज्जत के बाद डीडी चौक पर गिरफ्तार कर लिया। जिलाध्यक्ष शिव अरोरा के आह्वान पर भाजपा के कार्यकर्ता एक मैरिज पैलेस पहुंचे, जहां से जुलूस की शक्ल में मोदी के मुखौटे लगाकर कांग्रेस की रैली में विरोध करने जाने लगे, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन ले गए। पुलिस ने भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल और जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा समेत 125 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस रुद्रपुर पुलिस लाइन ले गई। वहीं रुद्रपुर एसडीएम पंकज उपाध्याय का कहना है कि भाजपा नेताओं ने प्रशासन से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली और न ही कोई आवेदन किया। महाराजा पैलेस में इनका एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम खत्म करके वो सड़क पर आ गए। कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके विरोध में इनका कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है, लेकिन इनके द्वारा प्रशासन से कोई अनुमति अप्लाई नहीं की गई थी, इसलिए कोई परमिशन भी नहीं दी गई थी। और चूंकि ये कार्यक्रम समाप्त करके सड़क पर आए हैं, इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने एक रैली निकाली, मोदी हिसाब दो जवाब दो, उन्होंने मोदी से हिसाब मांगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने खुली चुनौती दी, सार्वजनिक बहस की, कि जो इस रैली के संयोजक हैं तिलकराज बेहड़ जी, वह सार्वजनिक बहस के लिए खुले मंच पर आए और मीडिया और जनता के सामने बहस करें। मोदी जी के 2.5 साल की सरकार का हिसाब मैं दूंगा और इस कांग्रेस की भ्रष्टाचार की जो हरीश रावत जी की सरकार है, उसकी जो भ्रष्टाचार की 5 साल की सरकार है, उसका जवाब वो दे। खुले मंच की चुनौती थी, स्वस्थ लोकतंत्र में यह चुनौती उन्हें स्वीकार करनी चाहिए थी। एक मंच पर बैठते आमने सामने और जनता उसे देखती, मीडिया उसे देखती, लेकिन वो घबरा गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब हम चुनाव सार्वजनिक बहस के लिए अम्बेडकर पार्क के कूच करने लगे कार्यकर्ता, तो इस कांग्रेस सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्व हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, गिरफ्तारी की गई, उत्पीड़न किया गया। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा नगर में मंगलवार तड़के 6 बजे इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे आधा दर्जन से ज्यादा डकैतों ने एक राइस मिलर के घर में धावा बोलकर चाकू और तमंचों के बल पर लगभग 30 लाख रुपए के सोने के ज्वेलरी और 8 लाख की नकदी ले गए। डकैत हरियाणा नंबर की होंडा सिटी कार से आए थे। पुलिस अब भागते डकैतों की कार की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। इस सनसनीखेज डकैती की सूचना पाकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैंथिल अबुदई, अपर पुलिस अधीक्षक
पंकज भट्ट सहित फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैंथिल अबुदई ने शीघ्र ही इस घटना के खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित अंकेश अग्रवाल का कहना है कि 8 बदमाश यह कहकर घर में घुस गए कि हम इनकम टैक्स विभाग से आए हैं, जिस पर परिवार के लोग इकट्ठे हुए और डकैतों से आई कार्ड मांगा तो उन्होंने थप्पड़ मारकर तमंचा निकाल लिया और बंधक बनाकर लूटपाट की। तब हम समझ पाए कि ये इनकम टैक्स की रेड नहीं बल्कि डकैत है। पूछे थे आपके यहाँ कुछ जानकारी है? गेट नीचे का गेट खुला हुआ था, नीचे मम्मी थी, मम्मी को आके उन्होंने मम्मी से कहा चाबी दो, मम्मी किचन में थी, मम्मी पापा को उठा के फिर वो एक एक करके ऊपर घुसते चले गए। कितने बदमाश से लगभग? 7-8 बदमाश। कितने का नुकसान लगभग? आपका क्या क्या गया है? 8-10 लाख का कैश ले गए। कैसे करके घुसे और कैसे करके लूट के लेके गए? ये इनकम टैक्स का नाम लेकर के घुसे। हम लोग इनकम टैक्स से हैं। जब हमने कहा कि कार्ड दिखाइए तो उन्होंने एकदम से हमारे ऊपर हथियार उतियार निकाल लिए और बोले शांति से बैठ जाओ वरना किसी को गोली मार देंगे, कुछ मार देंगे। और एक कमरे में हम लोगों को बंद कर दिया और तसल्ली बख्श 1 घंटे तक घर में। सुबह 6:15 बजे करीबन हम लोग सो रहे थे, नीचे माताजी वगैरह जगी हुई थी, तो ऊपर कमरे में आदमी आया मेरे कमरे में, मैं तो महिले पे रहता हूँ, और उसमें जो है क्या नाम है, मेरे से बोला मैं इनकम टैक्स वाला हूँ। मैंने उससे कहा कि कार्ड दिखा, बोले चल तुझे नीचे चल के कार्ड दिखाता हूँ। तो वो नीचे ले आए, सबको एक कमरे में बैठा दिया, दो आदमी मतलब हसला लेकर के खड़े रहे और बाकी लोग जो है पूरे घर में तोड़ फोड़ लूटपाट सब अलवारी और सेब वगैरह तोड़ करके जो था वो सब ले गए। आज सुबह जो है लगभग 6:15 बजे जो पुराना कला मंदिर क्षेत्र है किचा में, इसमें उनके छावा के घर पे जो है लगभग 6-7 लोग अंदर आए इनकम टैक्स रेड का बहाना बना के, फिर उन्होंने तमाचे के बारे में एक कमरे के बंद कर सामान चले गए। कितने सामान गए इस बारे में हम जाँच कर रहे हैं और बाकी फोरेंसिक टीम को हम बुला रखे हैं। इसमें जो आगे की कार्रवाई जैसा मजबूत होंगे उस हिसाब से CCTV की मदद दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी बिल्कुल CCTV को भी हम चाह रहे हैं। रुद्रपुर में आयोजित कांग्रेस की भाजपा जवाब दो मोदी जवाब दो रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 2.5 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लोगों को हवाई सपने दिखाए हैं, किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, मोदी सिर्फ विदेश यात्रा कर रहे हैं। इन नेताओं ने भाजपा नेताओं द्वारा रैली के विरोध किए जाने पर कहा कि सारी जनता जानती है कि मोदी ने 2.5 साल में क्या किया है, उनको हिसाब मांगने का हक नहीं है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने कहा कि झूठे चुनावी वादों को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये 9 सितंबर से हमने शुरू किया था, हम इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और जो भारत का संविधान के अनुसार 1952 का जो जनप्रतिनिधि कानून है, हमारा संविधान है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बहुत से वायदे किए थे और उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं 15 लाख रुपए दूंगा, तो किसी मतदाता को जो अमूल्य वोट है उसको खरीदना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो जो उन्होंने वायदे किए थे महंगाई कम करने के, इन सब चीज़ों के, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि ये अच्छे दिन कब आएंगे, 15 लाख रुपए कब मिलेंगे, महंगाई कब दूर होगी, बेरोजगारी कब दूर होगी। तो ये पूरे प्रदेश में 70 के 70 विधानसभाओं में, और इसका अगला चरण जो है हमारा होगा सतत विकास संकल्प यात्रा। इसके बाद हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं पंचमी से
कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जिन लोगों ने ये वायदे किए थे उनके खिलाफ जो 400 बीसी हुई है, जो षड्यंत्र हुआ है मतदाता के साथ, उनके खिलाफ लाखों लाखों में FIR करें जिससे उनका पैसा मिल सके। आम जनता उमड़ कर आई है, आप लोग भी देख रहे हैं परिवर्तन। उसने परिवर्तन तय कर दिया, मोदी की सरकार के आदमियों का जाना तय हो गया, भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आज आउट हो गया। ये तो केवल रुद्रपुर की जनता है, ऐसा सब जगह है। आप सब जगह जहाँ जहाँ रैली निकल रही है, लोग पूछ रहे हैं कहाँ है 15 लाख। अब कांग्रेस जो है FIR दर्ज कराने वाली है, कांग्रेस FIR दर्ज कराने वाली है। उत्तराखंड का मतदाता की वादा किया था मोदी ने 15 लाख देंगे, तुम्हें मिले 15 लाख? 15 लाख हर एक को मिलेंगे, काला धन लाएंगे मिलेंगे, और अगर नहीं मिला तो जवाब दें, प्रधानमंत्री है, पास से दें 15 लाख, देना पड़ेगा 15 लाख। अगर काला धन उन्हें ढूंढे नहीं मिल रहा है तो देना पड़ेगा। FIR करवाएंगे भारत सरकार के उन लोगों के खिलाफ जो 15 लाख देने की बात थी, उनके खिलाफ करवाएंगे कि जिन्होंने कहा 15 लाख देंगे, जनता को गुमराह किया और गद्दी पर बैठ गए, उन्हें गद्दी से उतारने का संदेश देंगे, झूठे वादों की FIR करवाएंगे कई लाख।